बढ़ता हुआ वजन पाकिस्तान में एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है जिसकी कई मुमकिन वजूहत हो सकती हैं। इसके अलावा हम आए दिन वजन कम करने के नए तरीकों के बारे में भी जानते रहते हैं। चलिए आइए इस बारे में बात करते हैं विद वन ऑफ द टॉप न्यूट्रिशनिस्ट इन द हार्ट मिस्टर मन आसिफ से, और इनसे जानते हैं कि वेट लॉस दरअसल क्या है और वजन कम करने की कुछ इफेक्टिव टिप्स कौन सी हैं। हॉस्पिटल है उसमें शालीमार हॉस्पिटल है एंड दाई लैब सेंटर है एंड रशीद क्लिनिक है। उसके अलावा जो मेरी थर्ड आप इसको कह लें डिसाइड न्यूट्रिशनिस्ट और डिसाइड डाइटिशियन, आई एम अ स्पेशलिस्ट डायबिटीज एजुकेटर जिसमें मैं लाहौर के टॉप क्लास डायबिटोलॉजिस्ट के साथ वर्क करती हूँ। उसमें मैं डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं उनको डील करती हूँ इंसुलिन के अबाउट ऑरल पेशेंट्स एंड उनकी मेडिकेशन, उनकी न्यूट्रिशन थेरेपी, उनकी वॉक, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज एंड ऑल डैट, जो भी उसमें चीज़ें आ जाती हैं। डायबिटीज स्पेशलिस्ट इसलिए हूँ मैं क्योंकि मैं उन सब पेशेंट्स के जो भी कंसर्न होते हैं उन सबको डील कर रही हूँ। अच्छा, न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो जनरली हमारी कम्युनिटी में लोग समझते हैं कि जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो सिर्फ कंसर्न है या लिमिटेड है वेट लॉस एंड वेट गेन, दैट्स इट। जबकि ऐसा नहीं है, जो डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो प्रॉपरली आपको आपकी मेडिकल रिलेटेड जितनी भी आपके डिजीजेज हैं, आपकी हिस्ट्री है, आप हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजारना चाह रहे हैं उसके लिए भी सिर्फ वेट लूज एंड वेट गेन इज़ नॉट द थिंग के न्यूट्रिशनिस्ट वो कर रहे हैं। आपकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसमें हाइपरटेंशन है, उसमें डायबिटीज़ है, स्ट्रोक है, हार्ट डिजीज हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये सारी चीज़ें बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट में डील कर रही हूँ। उसमें हमारे पास सबसे पहले प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, लेकिन प्रेगनेंसी एक लाइफ का स्पैन है जिसमें फीमेल को डिफरेंट उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं, और वो बीइंग अ डाइटिशियन और बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट बहुत अच्छे तरीके से उनको डील कर लेता है कि आपने इनको कैसे अपनी 9 मंथ्स के पीरियड को कैसे स्पेंड करना है, इसमें आपने क्या क्या अपनी चीज़ें लेनी है। इसलिए वेट लॉस एंड वेट गेन इज़ नॉट द थिंग कि आप सिर्फ ये नहीं कर रहे हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हम बेसिकली इन सब चीज़ों को डील करते हैं। अच्छा, कॉमन वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हमारे पास सबसे पहले जो आता है, जो हमें वेट से प्रॉब्लम डिजीज़ जो है वो इन फ्यूचर या जिसके चांसेस और रिस्क आते हैं वो हमारी डायबिटीज़ है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास हाइपरटेंशन आ जाता है, हमारे पास स्ट्रोक आ जाता है, क्रोनरी हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल आ जाता है। ये सारी जो डिजीज़ हैं ये आफ्टर वेट की प्रॉब्लम्स के बाद हमें अपेयर होना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपेनिया है, हमारी बोन रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे हाई वेट की वजह से होती हैं। तो लोग ये समझते हैं कि जस्ट ओबेसिटी को अगर हम टारगेट करें या ओबेसिटी को हम अगर डील करना शुरू करें तो हम अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, अपने रिस्क फैक्टर्स को, डिजीज़ के चांसेस को, मोर्टेलिटी रेट को हम बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। अच्छा, ओवरवेट होना तो हार्मफुल है, ये तो एक बेसिक सी बात है। मैं आपको लास्ट भी बता चुकी हूँ कि हमारी जितनी भी डिजीज़ हैं वो ओवरवेट से लिंक्ड है। और रही बात जहाँ तक हमारे आइडियल वेट की, तो हर पर्सन से ये वेरी टू वेरी करता है कि अगर आपका आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके BMI पे। BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। ये हम न्यूट्रिशनिस्ट कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास पेशेंट आता है, तो हम उसकी हाई वेट को मेजर करते हैं, उसकी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लेते हैं, एंड देन हम उसको गाइड करते हैं कि आपका आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए और अभी आप किस कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं। जो बेसिकली BMI बॉडी मास इंडेक्स की कैटेगरीज आ जाती हैं उसमें हमारे पास एक तो नॉर्मल, अगर इंसान नॉर्मल और हेल्दी है तो उसको हम नॉर्मल कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन अगर उसका वेट कम है देन अंडरवेट, अगर उसका वेट ज़्यादा है ओवरवेट, एंड देन सो ऑन ओबेसिटी की भी क्लासेस और ग्रेड्स आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो भी पेशेंट है उसका या जो भी पर्सन है उसका वेट और हाइट क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका आइडियल बॉडी वेट हम उसको बताते हैं। जी, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ जिम हर कोई नहीं कर सकता, ये इतना इजी भी नहीं होता। अपनी लाइफ में से आप टाइम निकालो और जिम में जाओ,
तो वेट लॉस स्टेप्स में अगर मैं वेट लॉस के टिप्स देना चाहूँ बिसाइड्स डाइट प्लान, ठीक है, डाइट प्लान के अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप यह हेल्दी वेट लॉस घर पे करें, तो उसके लिए कुछ टिप्स जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट हैं और वर्क भी करती हैं तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि डू नॉट स्किप ब्रेकफास्ट, कभी भी अपना नाश्ता स्किप ना करें, इवन कि नाश्ते के अलावा आप अपना कोई भी मील स्किप ना करें। हमारी कॉमन ये मिथ्स है कि हम लोग समझते हैं कि हम कोई खाना छोड़ देंगे, हम कोई खाना या कोई मील को स्किप करेंगे तो हम वेट लॉस की तरफ जाएंगे, जबकि ये गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपने एक मेन चीज़, कभी भी अपना कोई भी मील स्किप नहीं करना, अपने रेगुलर मील्स को लेना है। सेकेंड थिंग, इंक्रीज़ करना है आपने अपने वाटर इनटेक को, ठीक है, स्पेशली बिफोर मील, जब भी आप खाना खाएं पानी आप लाजमी पिए, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी में, जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं या हमारे पेट में भी खाना नहीं गया हुआ था तो हम पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी में जाके कैलोरीज बर्न होना स्टार्ट हो जाती हैं, एज़ कम्पेयर टू दोज जो खाने से पहले पानी नहीं पीते और जो खाने के बाद पानी पीते हैं 44% उनका वेट लूज़ डेफिनेटली होता है एज़ कम्पेयर टू जो लोग नहीं पीते, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये रिकमेंड करूँगी कि आप खाने से पहले हमेशा पानी पिए, उसके अलावा भी दिन में अपनी वाटर की जो मिकदार है, क्वांटिटी है, उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आप खाना बहुत आराम से खाएं, बहुत तेज़ी और हैसल के साथ खाना मत खाएं कि जल्दी जल्दी खाना है, उससे ये होता है कि आप क्वांटिटी ज़्यादा ले लेते हैं और उसके साथ आपकी कैलोरीज भी ज़्यादा जा रही होती हैं। लेकिन जब हम आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे तो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगा, जब फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगा तो आप जो है जल्दी खाना ख़त्म कर लेंगे, तो च्यू स्लोली स्लोली, ठीक है। अच्छा, और एक जो बेसिक या मेन टिप है वो मेरी अपने व्यूअर्स के लिए ये है कि डू नॉट बैन फूड्स, ठीक है। आप कोई भी खाने को अपनी लाइफ में से स्किप मत करें कि मैंने इसको नहीं खाना, स्पेशली जो खाना आप लाइक करते हैं, फिर हमें उसकी क्रेविंग और टेम्पटेशन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हम चीटिंग करते हैं अपनी डाइट में, अपने डाइट प्लान में, कि हमने वही खाना खाना है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि किसी भी खाने को बैन मत करें, किसी भी खाने को निकालें मत। हाँ, हम उसको अगर वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, या फॉर एग्जांपल हम फास्ट फूड की बात करते हैं तो हम उसको लिमिट कर सकते हैं, हम उसकी रेसिपीज़ को चेंज कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स को उसमें चेंज कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, लेकिन फूड को हम बैन नहीं करेंगे, ठीक है। वेट लॉस मिस्टेक्स जो हम कॉमनली हमारी सोसाइटी में हो रही हैं, उसमें सबसे पहले मैंने आगे भी आपको बताया था, उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि हम अपनी डाइट में कैलोरीज को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हम या तो बहुत कम कैलोरीज ले रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, हम एक मीडियम दरमियान वाले रास्ते पर नहीं चल रहे होते। तो जब आप अपनी कैलोरीज डिफिक्शन स्टार्ट कर देंगे, अपनी डाइट में से कैलोरीज को निकाल देंगे, तो आपकी बॉडी ने भी, बॉडी के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसने कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो जब उसको बेसिक कैलोरीज ही नहीं मिल रही होंगी, एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो रही होगी, तो वो फंक्शन कहाँ से परफॉर्म करेगा? तो वो आपका एक वेट लॉस की तरफ नहीं बल्कि एक वीकनेस की तरफ और आपका मसल मास लूज होने की तरफ वो चीज़ चली जाएगी, ठीक है। और दूसरा, उसके बाद हमारे पास जो प्रॉब्लम आ जाती है, लोग समझते हैं कि हम डाइट कर रहे हैं तो हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है जितनी डाइट, लेकिन थोड़ी कम रखती है। लाइक आप 30% डाइट को, 30% वॉक को करें या फिजिकल एक्टिविटी को इनकॉर्पोरेट करें, एंड 70% आप अपनी डाइट को जो है वो मॉनिटर करें, तो फिर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल या वेट लूज की तरफ जा सकते हैं। एंड देन हमारे पास आ जाता है कि हम लोग जब भी मार्केट में जाते हैं या हम कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हैं, हम लेबल्स रीड नहीं करते, ठीक है। बाहर की कंट्रीज़ में ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छी है, लोग लेबल पढ़ के चीज़ लेते हैं, पाकिस्तान में इतना इसका ट्रेंड नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये एक मिस्टेक ही है कि आप जब जाएँ, आप हमेशा पीछे एक न्यूट्रिशन फैक्ट लिखा होता है हर प्रोडक्ट के पीछे, आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करें आप उसके पीछे दिए गए न्यूट्रिशन फैक्ट को पढ़ें, उस लेबल्स को पढ़ें, उसमें आप देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ है और मुझे किस चीज़ की नीड है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को लें। और प्रॉब्लम्स जो हैं वो है तो बहुत सारी हैं, लेकिन बेसिक्स जो ये 3-4 हैं इनको आप मॉनिटर करना शुरू करें। और बिल्कुल भी ये मत समझें कि अगर हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें लाइसेंस मिल गया है कि हम कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप एक्सरसाइज हैवी कर रहे हैं और डाइट को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप वेट लूज की बजाय वेट गेन की तरफ जाएंगे। तो हमेशा वेट एक्सरसाइज को और डाइट को, दोनों को आपने बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर करके अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है। अच्छा, तो
वेबसाइट पे, नेट पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि आप इसको करें तो आप रातों रात आपका वज़न कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, जादू नहीं होता कभी भी। वेट लूज जो है वो एक आपका चुटकी बजाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपका वेट गेन इतने सालों में हुआ है तो ऑब्वियसली वेट लूज़ होने में भी आपको कुछ टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर बेसिक आप जो सबसे मुफीद टिप की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं ये कहूँगी कि माइंडफुल ईटिंग। सबसे पहले आप अपने माइंड को रिलैक्स, जब भी आप खाना खाएं अपने माइंड को रिलैक्स करके खाएं, किसी भी चीज़ में आपका माइंड ना हो कि आप टीवी देख रहे हैं, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आप खाना खाते हुए मत करें। माइंडफुल ईटिंग जो है वो बहुत बेस्ट होती है आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल में और आपके वेट लॉस में। सेकेंड थिंग आ जाती है, जब भी आप सुबह उठें, ठीक है, आप नीम गर्म पानी पिए, ठीक है, निहार मुँह, उसमें अगर आपने रात को जीरा या चिया सीड्स या फेनल सीड्स आपने डिप करके रखे हैं तो बेस्ट है, वो पानी आप डेली सुबह उठ के पिए। उसमें आप लेमन ऐड कर सकते हैं, उसमें आप हनी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा तो आप ये जो ड्रिंक है इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी लाइफ में, तो आप खुद देखेंगी कि आपका पेट भी बहुत जल्दी जो है वो कम होने की तरफ जाएगा और वेट लूज पे इंशाल्लाह होगा। जी, बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन में डिफरेंस है, जो सबसे मेन डिफरेंस ये है कि जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो सिर्फ हेल्दी पीपल को टारगेट करते हैं, हेल्दी पीपल की जो है लाइफस्टाइल को देखते हैं और उनके डाइट प्लान्स को बनाते हैं, जबकि जो डाइटिशियन हैं वो क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, उनका जो ज़्यादा लिंक होता है वो क्लिनिक से होता है, डिफरेंट डिजीज़ को कवर करते हैं, वेट लॉस को, वेट गेन को, हाइपरटेंशन को, ब्लड प्रेशर को और डायबिटीज़ को, ये जो सारी आपकी डिजीज़ हैं इनको डाइटिशियन जो है वो अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनल वे से डील कर रहा होता है कि आप अपनी डिजीज़ के अकॉर्डिंग आपकी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी क्या होनी चाहिए और आपको वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सजेस्ट करते हैं। तो ह्यूज डिफरेंस न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन में ये है कि न्यूट्रिशनिस्ट सिर्फ हेल्दी लोगों को टारगेट करते हैं, जबकि डाइटिशियन हेल्दी और सिक और डिजीज सब पर्संस को कैटर कर रहे होते हैं। अच्छा, लाहौरी जो है वो एक फूडी कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छे खाने भी लाहौर में अवेलेबल होते हैं और सबसे ज़्यादा फास्ट फूड और इस तरह की चीज़ें लाहौर में सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमन है। तो लाहौरियों की जो मिस्टेक है वो ये है कि एक तो वो सुबह जब उठते हैं तो एक तो लेट उठते हैं, ठीक है, सबसे उनकी जो एक बिग मिस्टेक, ह्यूज मिस्टेक आ जाती है कि लेट उठते हैं, अपनी स्लीपिंग आवर्स को कंप्लीट नहीं कर रहे होते हैं और अपनी जो बाहर की उनकी फ़ूड की कंजप्शन है रेस्टोरेंट से खाना और सुबह जो उनका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है बाहर से, ये पराठे वगैरह और चने पूरी वगैरह इस तरह की चीज़ों को वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो हम इसको बिल्कुल अपनी लाइफ से मैं स्किप करने को नहीं बोलूँगी, लेकिन आप इसको लिमिट कर सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट जो है वो अपना टाइम पे करें, लेट कभी भी मत करें। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है लाहौरियों की कि वो अपना ब्रेकफास्ट बहुत लेट करते हैं। अगर वो अपना ब्रेकफास्ट जल्दी करना स्टार्ट करेंगे तो उनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहीं से जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे।